क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स क्राइटेरिया क्या है इसका? नेसेसिटी ऑफ मीडियम पर आपको बताया जा चुका है, मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़ेंगे हम। अभी हम सारी प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका वही स्टोन डाला और चारों तरफ एनर्जी आगे बढ़ती गई, एनर्जी बाउंड नहीं है, बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएगी, चलती जा रही है, ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिव वेव्स है। फिर दूसरा हम देखेंगे स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होगी? एनर्जी बाउंड होगी इसमें मीडियम में, ठीक है ना, इसमें एनर्जी क्या होगी? बाउंड होगी। तो पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट सेक्शन टू में। सेक्शन वन में हम सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये आपको पता है पहले से, बहुत सिखाया जाता है 9th में, आपको ये सिखाया जाता है ट्रांसवर्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है। यहाँ भी वही है, ट्रांसवर्स का मतलब है मीडियम पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलरली टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं इसमें, ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, बट उसमें कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, बट कहते हैं वो ट्रांसवर्स वेव उसको, ठीक है ना, क्योंकि जो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है कि इसमें मीडियम पार्टिकल्स अलोंग द प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी ऑसिलेट करते हैं, और क्या होते हैं, ऐसे दबता चलता है मीडियम, इस तरीके से ऑसिलेशन होता है, जहाँ दब गया वहाँ कंप्रेशन, जहाँ ऐसे खुल गया वहाँ रेयरफैक्शन, ठीक है। तो रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की टर्म में आगे बढ़ते रहते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे क्रेस्ट ट्रफ हमेशा ऑल्टरनेट मिलेंगे, रेयरफैक्शन कंप्रेशन भी हमेशा ऑल्टरनेट मिलेंगे। तो ये आपकी क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका, वी इक्वल टू लिमडेफ इम्पॉर्टेंट था अभी तक, जो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आता है कि आप जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे वेव मोशन की, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या होगी? देखिए आप, अगर आपको सोर्स ये लिखना आना चाहिए, बस इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको SHM पढ़ के आना, बट अभी मैं SHM पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जनरल इक्वेशन लिखाना सिखा रहा हूँ, उस पर भी जाऊँगा अभी जल्दी, हो सकता है आज नहीं जाए, अगले लेक्चर में जाए, बट अभी आपको मैं जनरल इक्वेशन लिखना सिखाना चाहता हूँ वेव मोशन की। देखो कैसे लिखते हैं, आपकी ये रस्सी है मान लीजिए यहाँ पर, और x इक्वल टू 0 पर कोई सोर्स रखा हुआ है। सोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पर y का डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है। अब ये साइन वेव सोर्स भी हो सकता है, तो फिर आप y को क्या बोल दोगे? ए साइन ओमेगा टी बोल दोगे, बट कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ साइन वेव की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? तो वेव इक्वेशन का मतलब है आपको किसी एक्स पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? सोर्स की इक्वेशन पता है आपको, ठीक है, सोर्स यहाँ पर कुछ है फंक्शन ऑफ टाइम इस पॉइंट का, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, बट हमको चाहिए कि आप किसी भी जनरल एक्स पोजिशन पर जाकर डिस्प्लेसमेंट वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, मतलब y x कॉमा t चाहिए, y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे निकालना है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t? तो ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, कि आपको अगर x इक्वल टू 0 पर सोर्स की इक्वेशन पता है, x इक्वल टू 0 पर किसी भी टाइम पर क्या हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल फंक्शन गिवेन है आपको, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 पर किसी भी टाइम पर क्या हो रहा है, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको फंक्शन ऑफ टाइम गिवेन है, वो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 का, बट अब बात ये है कि x डिस्टेंस पर जाकर t टाइम पर क्या होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको। तो फिर वही बात कि आगे जो डिस्टरबेंस का चलना है वो इन सब चीजों का इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड v से डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड v से, आपने मीडियम सेम रखा है तो स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है डिस्टर्बेंस, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि टाइम टेकन बाय द डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स तक जाने में उस डिस्टर्बेंस को कितना टाइम लगेगा? तो इस एक्स बाई वी टाइम में आपको दिक्कत तो नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 पे डिस्टरबेंस पैदा हुआ, डिस्टरबेंस चलने की स्पीड या वेव की स्पीड वी है, तो उस डिस्टरबेंस को एक्स इक्वल टू 0 से एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो
तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। धर्मांश बताइए, आपको क्लियर है एक्स वाई भी? बिल्कुल एक्स वाई भी क्लियर है क्या आपको? एक्स इक्वल टू 0 पर पैदा हुआ डिस्टरबेंस एक्स डिस्टेंस पर कितनी देर में पहुंचेगा? कहाँ गया धर्मांश? ओके बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपका डिस्टरबेंस पैदा हुआ एक्स इक्वल टू 0 पर और एक्स डिस्टेंस तक जाने में एक्स वाई वी टाइम लग गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा, ये स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि मेरा से वॉट एवर इज हैपनिंग एट एक्स एट टाइम टी, सेम थिंग वॉज हैपनिंग एट एक्स इक्वल टू 0 एट टाइम टी माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है एक्स डिस्टेंस पर एक्स बाई वी टाइम पहले वो यहाँ पर हो रहा था, मतलब यहाँ पर जो टी टाइम पर हो रहा है वो एक्स इक्वल टू 0 पर किस टाइम पर हो रहा होगा? टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि आप कह रहे हो डिस्टरबेंस का एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक्स बाई वी टाइम लग गया, तो जो अब यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पर हो रहा है वो एक्स बाई वी टाइम पहले यहाँ पर हो रहा था, जो अब एक्स पर टी टाइम पर हो रहा है वो वहां पर कब हो रहा है? टी माइनस एक्स बाई वी हो रहा है। एंड वॉट एवर इज हैपनिंग एट एक्स इक्वल टू 0 एट एनी टाइम, वो आप लिख सकते हो क्योंकि आपको फंक्शन ऑफ टाइम गिवेन है ना वहाँ, क्योंकि वहां पर तो वाई का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवेन है, ठीक है? तो वॉट एवर इज हैपनिंग एट एक्स इक्वल टू 0 एट एनी टाइम आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो जो एक्स डिस्टेंस पर टी टाइम पर हो रहा था यहाँ पर कब हो रहा है? टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर हो रहा है। तो इसलिए एक्स पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखा जाएगा? फंक्शन टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? टी माइनस एक्स बाई वी, बात खत्म। इतनी सी बात थी बस। यह आपकी क्या कहलाएगी? वेव इक्वेशन कहलाएगी। एट ए पर्टिकुलर पोजिशन एक्स फंक्शन टी यहाँ पर रखकर आप इससे उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें? इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि जो कुछ एक्स पर हो रहा था एक्स बाई वी टाइम पर वो कहाँ पर था? एक्स एक्स बाई वी टाइम पहले वो एक्स इक्वल टू 0 पे था, मतलब वहां पर जो टी टाइम पर होगा एक्स डिस्टेंस पे वो सारा की सारा एक्स इक्वल टू 0 पर टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर होगा। और टी माइनस एक्स बाई वी पर वहां पर क्या हो रहा है उसके लिए आपको एफ टी गिवेन है, इसलिए एक्स पोजीशन पर टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये तब है जब आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मान लीजिए नेगेटिव में भी स्ट्रिंग है, आप बीच में कहीं एक्स इक्वल टू 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो इधर जाने वाली वेव की इक्वेशन बिल्कुल सही है टी माइनस एक्स बाई वी। बट अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो क्या करेंगे? तो क्या यही इक्वेशन होगी या कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें? आपको बताइए, ये ध्यान रखें, ये कौन सी वेव की इक्वेशन है? दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके लिए है केवल ये, ठीक है ना? ये किसके लिए है कि एक्स इक्वल टू 0 पर तो सोर्स रखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 पर सोर्स रखा हुआ है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलोंग वेव ट्रेवल कर रही है, वो इक्वेशन है। अगर मैं सोर्स की पोजिशन चेंज कर दूंगा ये चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर दूंगा ये चेंज हो जाएगी। ये केवल तब है जब सोर्स इज एट एक्स इक्वल टू 0 एंड द डिस्टरबेंस इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ डिस्टरबेंस इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस देन एक्सप्रेशन विल बी चेंज। फिर आप ये नहीं रख सकते, ठीक है? तो क्या रखेंगे, क्या करें इसकी जगह बताओ? अब एक्स इक्वल टू 0 पर पैदा हुआ तो यहाँ पहुंचेगा तो वही एक्स डिस्टेंस पर कितनी, हाँ बिल्कुल हर्षवर्धन, यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेगा? पहुंचेगा तो वही एक्स बाई वी टाइम बाद पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ भी वही आना चाहिए टी माइनस एक्स बाई वी, सेम चीज ही तो, इधर जाए क्या फर्क पड़ता है? एक्स डिस्टेंस पर इधर पहुंचा तो कितने टाइम पहले यहाँ पर था वो? टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे था। बट क्या करेंगे इसके लिए आप? टी प्लस एक्स बाई वी लिखेंगे बेटा, समझ रहे हो? क्योंकि आप एक्स को आप अपने आप नेगेटिव डालोगे ना तो अपने आप वो टी माइनस दिस डिस्टेंस बाई वी हो जाएगा। अगर आप यहाँ माइनस कर देते और फिर एक्स को माइनस डालते तो ये प्लस होके गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? इधर का केस भी धर्मांश बिल्कुल वैसा ही है जैसा इधर का है। तो आपको समझ में आ रहा है धर्मांश? ये यहाँ पर अगर एक्स डिस्टेंस चलता, अगर ये इधर एक्स डिस्टेंस चलता तो इसको टाइम कितना लगता? एक्स बाई वी लगता। तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है एक्स बाई वी टाइम पहले वहां पर हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही करना है टी माइनस एक्स बाई वी। बट दिक्कत है आप एक्स को नेगेटिव डालोगे इधर, तो इसलिए आपने सेफ साइड रखते हुए यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। पूछता है पे एक्स इक्वल टू माइनस टू है मान लो,
ठीक है, आपको क्या करना है, टी माइनस टू बाई वी करना है। आप एक्स की जगह अपने आप क्या रखोगे, माइनस टू रखोगे, सही हो जाएगा टी माइनस टू बाई वी। ठीक है, तो ये जब भी आपको टी प्लस इस तरह का टी प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स बोल सकता हूँ इसको, वी को इधर लिया हुआ है कैसे भी, तो ए टी प्लस बी एक्स फॉर्म की वेव इक्वेशन होती है। बट अगर इस टी और एक्स की टर्म में अगर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब वेव कैधर चल रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। ठीक है, इसी टी और एक्स की टर्म में यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब वेव क्या चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। ये अगर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। इक्वेशन देखते ही ये बात समझ आ जाती है कि वेव पॉजिटिव एक्स में है या फिर नेगेटिव एक्स में है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट इसमें तो आप तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही गवर्निंग इक्वेशंस है, गवर्निंग मतलब आगे इसी पर चलना है अपन को। ये वेव इक्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे हमने ऑसिलेटरी इक्वेशन से वेव में ट्रांसफॉर्म किया है, ये बात सबको समझ आ गई।